गुड मॉर्निंग एवरीवन, मायर्स फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मायर्स फैमिली की तरफ से आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा तो त्यौहार है नहीं, मम्मी लोगों का त्यौहार है। तो अभी थोड़ी देर में मम्मी के घर जाऊंगी, मेरी बहनें आएंगी दशहरे का टीका लगाने, लेकिन हमारा त्यौहार नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सादे कपड़ों में नज़र आ रही हूँ। और सुबह से मेरे घर में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस सुबह में एक बार कैसर बड़ी और एलेक्स को जो है हम लोग घुमाने के लिए लेके गए थे, उसके बाद से मैं बाहर के ही कामों में लगी हूँ। थोड़े पौधे वगैरह अरेंज किए, थोड़ा उनमें से घास पत्तियाँ वगैरह निकाली और उनको पानी वानी दिया, थोड़ा उनको साफ़ सुथरा किया। बस आज सुबह से मेरा यही काम हो रखा है और कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो अभी बज गए हैं 10, तो मैंने सोचा फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर बाकी काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, आइए आप लोग मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो यहाँ पर टीका लगाने की तैयारी हो गई है और आसन ग्रहण कर लिया गया है टीका लगाने के लिए। तो यहाँ पर जौरा और दक्षिणा है और दूसरी थाली में दही और चावल है। तो आज जो है दही और चावल का टीका लगाया जाता है। तो टीका जो है वो सफ़ेद प्लेन दही और चावल का भी लगाया जाता है और लाल रंग का भी टीका लगाया जाता है। तो इसी दही चावल में अगर आप लाल रंग मिला लेते हैं तो लाल टीका बन जाता है, तो वो भी लगाया जाता है। सबके अपने अपने घर में अपना अपना चलन है। तो हमारे घर में जो है प्लेन वाइट आपका जो है दही चावल का टीका लगाया जाता है। तो मम्मी ने टीका लगाना शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ जो है आज के दिन जो दही चावल का टीका लगता है, तो ये माथा भर के टीका लगाते हैं इसको। और माथा भर के टीका लगाने से हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हमारी जो किस्मत होती है वो हमारे माथे में होती है। तो माथे में जब ये चावल जो है सुख समृद्धि और आशीर्वाद, लंबी आयु, मनोकामना पूरी हो, इस तरह से ये चावल का टीका जब माथा भर के लगाया जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इतने माथा भर के टीका लगाते हैं। फिर उसके बाद जो जौहरा है इसको आशीर्वाद के रूप में कान में लगा दिया जाता है, लड़कों के कान में लगाया जाता है और महिलाओं के, लड़कियों के सर में, बालों में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये दशहरे का टीका लगाया जाता है। और फिर उसके बाद में जब जब टीका लगा रहे होते हैं तो जो हम जिस आसन में बैठे होते हैं, जो आसन बिछाया हुआ होता है, तो उसमें जो भी चावल आज के दिन गिरता है तो हम लोग उसको झाड़ू नहीं लगाते हैं, वो यूं ही क्या नाम है चावल जो है वो गिरता रहता है, जो भी टीके से थोड़ा बहुत गिरता है, और वो हम लोग झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं उस पर आज के दिन। वो ऐसे ही आसन में चावल के दाने रहते हैं। तो मम्मी अभी सबसे पहले यहाँ पर जो है बुआरी के सिर में अक्षत जो है वो डालते हुए और माथे में टीका लगाते हुए, तो अभी देखो जैसे नेहा ने क्या है, अपने दोनों हाथ थाप रखे हैं, मतलब दोनों हाथ जो है फैला रखे हैं। तो जो भी टीका जो है माथे में लगाते हैं वो हमारे हाथ में गिरे, ज़मीन में ना गिरे, ऐसा करते हैं। और फिर उस अक्षत को जो दही चावल है उसको वापस हम उसी थाली में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम हाथ जो है आगे थाप के रखते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने टीके को जो है इतना सम्मान देते हैं कि वो टीका हम नीचे गिरने नहीं देते। और उसके बाद फिर मम्मी ये दक्षिणा देते हुए, तो आज के दिन जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज जो है भर भर के दक्षिणा मिलती है, भर भर के आशीर्वाद के रूप में दक्षिणा जो दी जाती है, बड़े हों या छोटे हों सबको दिया जाता है। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ जवाई जी हैं, मम्मी उनको टीका लगा रही है, ये मेरी छोटी बहन और जवाई हैं, तो मम्मी इनको टीका लगा रही है। और अभी मेरी बाकी बहनें जो वो आई नहीं हैं, आएंगी धीरे धीरे करके, सब अपने अपने घरों में त्यौहार करके आएंगे, फिर यहाँ भी त्यौहार करके आगे चले जाएंगे। तो यहाँ मेरी बहन जो है वो टोपी मंगा रही है क्योंकि जवाई जी ने टोपी नहीं लगाई थी, मां ने कह रही है कि ठीक टोपी लगा लीजिए। और ये हमारा ट्रेडिशनल टोपी है और इसे ढाका टोपी कहते हैं। कान में जो है ये जौना लगा दे रही है जवाई जी के, और हिमानी बता रही है कि फ़ोटो भी ले रहे हैं तो थोड़ा जवाई जी का चेहरा छुप ना जाए, इसलिए बीच बीच में हाथ लगा रही है अपना। और ये मम्मी हिमानी के टीका लगाते हुए,
तो देखिए अभी मानी ने भी अपने हाथ आगे इस तरह से फैलाए हुए हैं और उसमें अक्षत जो है चावल गिर रहे हैं। तो इस तरह से टीका लगाया जाता है और दिन भर ये कार्यक्रम आज चलता रहेगा और सबके घर में जो है इसी तरह से बड़े बूढ़े जो हैं वो आज टीके की थाली लेकर और थाली भर के दक्षिणा और जोरा लेकर बैठे रहेंगे। बच्चे आते रहेंगे, टीका लगाते रहेंगे और आगे जाते रहेंगे। तो यहाँ पर ही माने के बच्चे हैं, उनको टीका लगाया जा रहा है और बच्चों को तो इंतज़ार होगा दक्षिणा का, क्योंकि आज जो है वो भर भर के दक्षिणा मिलेगी। तो बच्चों का जो सर है वो तो बिल्कुल जौरा से भर गया है और बहुत अच्छा मानते हैं हमारे में जौरा सिर में लगाना, ये माता रानी का आशीर्वाद है, इसे बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। तो मम्मी जो है दक्षिणा देते हुए बच्चों को, और बच्चे जो हैं बड़ी खुशी से टीका लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, टीका तो नहीं लगा सकते हम लोग, लेकिन दक्षिणा और जोरा जो है वो आशीर्वाद के रूप में बड़े दे सकते हैं, इसलिए मम्मी मुझे आशीर्वाद में टीका और जोरा दे रही है। अब लगाया जा रहा है नाश्ता, तो नाश्ता आज हल्का ही बनाया हुआ है, क्योंकि मेरी बहनों ने फ़ोन करके बोल दिया था कि मम्मी ज़्यादा हैवी मत बनाना क्योंकि हम लोग खा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम घर से भी खा कर आ रहे हैं और फिर अभी आगे हमें और जगह भी जाना है, तो फिर वहाँ पर भी खाना ही है। तो इसलिए जो है आप नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले के अगले दिन जैसे ही टाइम होगा तो आप तब हमारे लिए खाना बना देना, लेकिन आज जो है बिल्कुल सिंपल नाश्ता रखना। लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेडिशनल पकवान होता है सेल रोटी, तो वो तो ज़रूर बनेगा। तो सेल रोटी बनाई हुई है और चटनी तिल की, जो मूली के साथ में या आलू के साथ में किसी भी चीज़ के साथ मिला के आप बना सकते हैं, वो चटनी बनी हुई है। तो इसलिए अभी बस ये हल्का सा जो नाश्ता है सेल रोटी और चटनी, बस यही खाकर आज मेरी बहनें जो हैं वो चली जाएंगी। अभी हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं टीका लगाने के लिए। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से माथा भर के टीका लगा हुआ है, शायद आप लोगों को देख के थोड़ा सा अजीब भी लगता होगा, लेकिन हम नेपालियों को तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी देता है हमें माथा भर के टीका लगाना। तो अभी मम्मी लगाएंगी टीका, तो यहाँ पर दीदी जो हैं वो बैठी हुई हैं, दीदी हमारे पड़ोस में रहती हैं और साथ ही हमारे रिश्तेदार भी हैं, मेरी जो सेकंड नंबर की बहन है उनकी ननद है, मतलब बड़ी ननद है, और ये उनके बेटे और बहू हैं और ये उनकी नातिनी है। तो अभी ये टीका लगा रहे हैं और आज जो है बस इसी तरह से रिश्तेदार आते रहेंगे, टीका लगाते रहेंगे, जाते रहेंगे, और मेरी मम्मी आज पूरे दिन इसी में व्यस्त रहेगी। और ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है, भगवान इसी तरह से व्यस्त रहने को मिले टीका लगाते हुए, तो बहुत ही खुशी का दिन होता है हमारे लिए दशहरे का दिन। तो दीदी कह रही है दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी कह रही है कि नहीं नहीं दक्षिणा तो लेना ही पड़ेगा, तो दीदी दोबारा बैठ गई। तो अब जो है नितिन को मम्मी टीका लगा रही हैं, तो आज जो है बस ऐसे ही व्यस्त रहेगा दिन टीका लगने में। तो मम्मी यहाँ पर लगा रही है गुड़िया और सिब्बू को लगा रही है टीका। तो मेरी बहन के जेठ और जेठानी हैं ये, तो ये हमारे पड़ोसी होने के साथ साथ हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो हमारे गांव में तकरीबन तकरीबन सभी लोग जो है वो आपस में रिश्तेदार ही हैं, और पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। तो यहाँ पर सिब्बू को मम्मी ने टीका लगा दिया है और अब गुड़िया की बारी है, और गुड़िया का जो फेस है वो हमेशा इस तरह से ही स्माइली रहता है और बहुत खुश रहती है गुड़िया, और मैंने हमेशा गुड़िया को जो है इसी तरह से मुस्कुराते हुए देखा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखना। तो यहाँ पर गुड़िया के जो है वो टीका लगाया जा रहा है। तो आज तो बस यही है कि सब लोग जो है वो घर में आते रहेंगे, टीका लगाते रहेंगे।
आ गई है अब बच्चों की बारी, और सिब्बू और गुड़िया के बच्चे हैं ये शिवाली और संयम, तो मम्मी इनके लगा रही है अब टीका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लग गया है हमारा खाना, दाल चावल भिंडी की सब्जी और ये है आलू की चटनी। ऋषभ खा रहा है यहाँ पे माछा भात, मम्मी ने मछली बनाई थी तो ऋषभ को मछली दी है, मम्मी ने बड़ा बनाया और यहाँ पर है। हाँ तो भाई मेरी मम्मी ने बनाई थी, मेरी माँ ने। अच्छा ठीक है ठीक। तो यहाँ पे मछली और भात है और ये है सिल रोटी। तो मैं तो मछली खाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, तो मैंने बनाया है अपने लिए शाकाहारी भोजन। तो फ्रेंड्स आ जाओ फिर आप लोग भी खाना खा लो और मिलती हूँ मैं आपसे फिर खाना खाकर। तो मेरी बहन जो है वो अब घर जाने के लिए हो गई है तैयार, और बाकी मेरी जो बहनें हैं वो अभी तक आई नहीं है, कुछ मेहमानों ने और आना भी बाकी है, लेकिन मैं शायद वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे किसी काम से कहीं जाना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दशहरे के अगले दिन मेरी ये वाली बहन आई अपनी बेटी के साथ में, और जवाई जी जो हैं वो तो अभी आए नहीं हैं घर, दिवाली पे आएंगे छुट्टी, तो इसलिए अपनी बेटी के साथ आई और अगले दिन उसने टीका लगवाया।